हेलो दोस्तों, आपकी दिल्ली पुलिस की आंसर की है वो आ चुकी है। इस वीडियो में माँ बाप बात करेंगे आपके लिए कि जो दिल्ली पुलिस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वह क्या रहने वाली है। तो इस वीडियो में उस कट ऑफ की बात करेंगे जो नॉर्मलाइजेशन के बाद में आपका स्कोर रहेगा। आपको फिजिकल के लिए कितनी कट ऑफ जाएगी, इसके सब के बारे में बात करेंगे। अगर अभी तक किसी ने अपनी आंसर की नहीं मिलाई है तो उसके लिए हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उससे आप अपनी आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में ही जो दूसरा लिंक है वहाँ आप सीधा उससे अपनी जो आंसर की कौन लिंक है उससे अपने सीधा स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं। आपका कितनी एक्यूरेसी, आपकी रैंक है वो क्या रह रही है वो टोटली चेक कर सकते हैं। तो आइए हम आप बात करते हैं कि जो आपकी कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है फिजिकल के लिए। तो सबसे पहले हम मेल कैंडिडेट के लिए कट ऑफ की बात करेंगे। तो जो मेल कैंडिडेट की कट ऑफ है उसमें बात की जाए तो सबसे पहले यूआर कैटेगरी की, तो यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है आपकी वह 64 से 65 नंबर रहेगी। यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 64 से 65 नंबर के बीच में रहेगी। ये मार्क हैं, ये आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद में है आप तक। उसके बाद में ओबीसी कैटेगरी की बात की जाए तो ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ है वो 63 से लेकर के 64 नंबर के बीच में ही रहेगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ है वो आपकी 53 से 54 के बीच में ही रहने वाली है। और अगर एससी कैटेगरी की बात की जाए तो एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो आपकी 52 नंबर से लेकर के 53 नंबर तक रह सकती है। और यहीं पर एसटी की बात की जाए तो एसटी कैटेगरी की जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो एसटी कैटेगरी की कट ऑफ आपकी होगी 55 से लेकर के 56 नंबर के बीच में। तो आपके लिए यही कट ऑफ रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए, एक बार आप चेक कर लीजिए। अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है तो आपको फिजिकल के लिए पक्का बुलाया जाएगा। अगर इससे भी कम है तो आपको फिजिकल के लिए तो कॉल फिर भी आएगा, क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन के बाद में स्कोर है। अगर अभी आपका स्कोर 60 नंबर भी है जनरल कैटेगरी से तो उसका सिलेक्शन ज़रूर होगा, क्योंकि उसे फिजिकल के लिए ज़रूर बुलाया जाएगा। तो 60 नंबर है, उसके बाद में आपके 7 से 8 क्वेश्चन अगर नंबर बढ़ते हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ से अगर आपको तैयारी करनी है तो फिजिकल की तैयारी में अभी से लग जाइए, क्योंकि आपका फिजिकल भी जल्दी होगा और कब आपका फिजिकल होगा ये सारा इस वीडियो में बताएंगे और रिजल्ट आपका कब तक आएगा। अब करते हैं फीमेल कैटेगरी की बात। तो फीमेल कैटेगरी की जो कट ऑफ है आपकी उसमें सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करेंगे अनरिजर्व की, तो वो 52 से लेकर के 54 नंबर के बीच में रहेगी। वहीं पर ओबीसी कैटेगरी की बात करेंगे तो ओबीसी कैटेगरी की आपकी कट ऑफ है वो 48 नंबर से लेकर के 52 नंबर के बीच में रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात की जाए तो 44 नंबर या से लेकर 45 नंबर के बीच में आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की रहेगी। वहीं पर एससी कैटेगरी की बात की जाए तो ये 39 नंबर से लेकर के 41 नंबर के बीच में रहने वाली है 39 से। और एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो आपकी 39 से लेकर के 40 के बीच में रहेगी, इनमें ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहेगा। और पहले भी बता दें, आपने 2020 की जो वैकेंसी थी दिल्ली पुलिस की उसकी आपकी कट ऑफ देखी होगी, जबकि जब उस टाइम पे वैकेंसी तो 5000 के समथिंग थी, 5000 प्लस थी, पर अब आपकी जो वैकेंसी है वो 7000 प्लस वैकेंसी हैं, आपको पता ही होगा। तो इसलिए जो कट ऑफ है उसमें ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहेगा। पिछली बार जो कट ऑफ थी वो भी इसी से थोड़ा ज़्यादा रही थी, इसी के आसपास है। अब आपकी बात करते हैं कि आपका रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा। अगर सीधा आप अपना स्कोर चेक करें तो लिंक को क्लिक करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको अपने नेगेटिव कितने हुए हैं, किस पार्ट में कितने नंबर आए हैं वो सारा शो कर जाएगा। और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपके लिए जो फिजिकल है किस तरीके से करना है आपको सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो रिजल्ट की बात की जाए तो आपका रिजल्ट अभी आपको पता ही होगा कि 6 से 9 दिसंबर तक आपके जो ऑब्जेक्शन है वो फिल किए जाएंगे। तो आपको बता दें कि दिसंबर मंथ में तो आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है, बट आपका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आपका जनवरी मंथ में कन्फर्म है, आपका जनवरी मंथ में आपका रिजल्ट आ ही जाएगा। इसके बाद में जो आपका फिजिकल होगा, तो कोई भी जब भी भर्ती आई है दिल्ली पुलिस की तो कम से कम उसमें एक से लेकर के और एक से एक महीने का तो मिनिमम टाइम मिलता ही है, उसके बाद में आपको 45 दिन भी मिल सकते हैं या 40 दिन, इसके इस अराउंड में, इस दिनों के में आपका फिजिकल ले लिया जाएगा। तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर आपका स्कोर जो हमने कट ऑफ बताई है तो आप सेफ हैं, आपके लिए फिजिकल के लिए कॉल ज़रूर आएगा।
और साथ में आपको लग रहा है कि भाई ओनली हम फिजिकल की कट ऑफ भी पार कर पाएंगे, उसके बाद में फाइनल मेरिट में रह सकते हैं, तो आप फिजिकल की भी तैयारी करते रहिए और साथ में ही SSC GD के भी फॉर्म चल रहे हैं, तो उसकी तैयारी के लिए आप अभी से लग जाइए, साथ में फिजिकल दौड़ करते रहें और SSC GD की भी तैयारी करते रहें, क्योंकि अगर आपको स्कोर इन पॉइंट पर अगर पास होते हैं तो आपको भी बता दें कि थोड़ी कट ऑफ फाइनल जो मेरिट जाएगी वो बढ़ती हुई है, इंक्रीज होगी फिजिकल के बाद में, तो थोड़ा उस पर ध्यान रखना होगा, पर आप फिजिकल की तैयारी ज़रूर करें। जब भी आपका फिजिकल होगा आपको पता ही होगा जो मेल्स की रनिंग होती है वह 1600 मीटर होती है और गर्ल्स की भी 1600 मीटर होती है, तो फिजिकल भी खूब टाइप इसमें टाइट होता है, तो आप अच्छे से अपनी तैयारी करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे जो भी और अपडेट होगी हम आपको बताएंगे। जय हिंद दोस्तों।